तो आपने आज देखा होगा हमारे इसके अंदर बहुत सारी तीज थी, सावन भादों की तीज, जिसके अंदर हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, वृंदावन सब तरह की तीज थी और यही हमारी तीज की तैयारियां। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ने। नमस्कार, मैं सुनीता पासवान और आप देख रहे हैं MMTV का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। इस वक्त हम मौजूद हैं सेवन सीज होटल पंजाबी बाग महिला मंडल के द्वारा महातीज पर्व का आयोजन किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगी कि सामने झूला लगाया गया है और यहाँ पे महिलाएं खुशी खुशी यहाँ पे फोटो क्लिक कराते हुए और झूले का आनंद ले रही हैं। हम आपको इनके अंदर ले जाएंगे और कई लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि ये तीज किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। से तीज मना रहे हैं और अगले साल हमारा रजत जयंती प्रोग्राम रहेगा और ये प्रोग्राम हमेशा बहुत उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं और हम लोग बहुत तैयार होकर के इस दिन का वेट करते हैं और ये त्यौहार को मनाने में हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि महिलाओं को तीज समझने समझने का मौका मिलता है और यही एक अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ के ना, हम लोग वेट करते हैं इस चीज़ की कि कब आएंगे, मेहंदी लगवाना, पूरा श्रृंगार अच्छे से तैयार होके आते हैं। ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा और हम आगे भी जाते हैं, हम लोग इससे जुड़े रहेंगे। हमें बड़ी खुशी है कि हम महिला मंडल के मेंबर्स हैं और एक पोस्ट पे भी हैं और आगे साल हम धमाल करने वाले हैं। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया। किसको राम जन्म दिया था? राम को। और कैकेयी माता ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया था उस दिन वनवास वाले दिन, तब से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे। तो भगवान राम जो है, एक तो भाई बताऊंगा, माता कैकेयी को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, तने मातु दुतोष निहारा जननी दुर्लभ सकल संसारा। तो माता से उनका नाम सीधा जननी बोला, जबकि माता हम सबको बोल सकते हैं। जननी केवल उसी को बोलना जाता है जिससे वो पैदा होता है,
तो क्योंकि कैकेयी ने, क्योंकि कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म किया था, राम ने माता मैं कहकर के जननी शब्द से संबोधन किया था। तो हे मातृशक्ति, हमारे देश की शक्ति, आज इतने भव्य प्रोग्राम में आप इस शक्ति को बनाए रखें, देश मजबूत होगा, नारी सशक्तिकरण होगा और आने वाला 2024 भव्य रूप से बनेगा। धन्यवाद। तीज के इस पावन पर्व पे आपने मुझे बुलाया, इतना बहुत सम्मान दिया, मैं माननीय डॉक्टर मीना गुप्ता जी का और आप सभी उनकी साथिनी सहेली सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और आजीवन आभारी रहूँ। मुझे आपकी संस्था द्वारा आज भी और आगे भी कभी भी कोई कार्य किया जाएगा, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ और हमेशा आपका साथ रहूँगा। अभी इन्होंने बताया सूजी के लिए, तो हम अभी बोल रहे हैं कि आपको जिस भी कलर में, जिस भी डिजाइन में, जिस भी तरह की हमारे कई सारे मॉडल्स हैं, उनमें से आप जो पसंद करेंगे वो हम आपके भिजवा देंगे। आप जब भी कोई प्रोग्राम में लॉन्च करना चाहें या अपने ऑफिस के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए यूज करना चाहें, आप विश्वास करें। मैं आपका पुनः आपको इस फोन पर उठे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं किरण गोयल जी, जो कि महिला मंडल पंजाबी बाग की कोषाध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम, कैसा कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है? सबको राधे राधे, मेरा सबको नमस्कार, तीज की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं किरण गोयल, आज हमने सेवन सीज बैंकेट हॉल रोहिणी में ये तीज का कार्यक्रम हमने रखा हुआ है, तो इसमें लगभग 600 के करीब महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सब बढ़िया आउटफिट्स पहन के, सज धज के तो तीज के कार्यक्रम में आई हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं सब। इसमें तरह तरह की स्टॉल्स भी हैं, कुछ अपने सूट्स की है, ज्वेलरी की है, राखी की है, तो और खूब अच्छे व्यंजन हैं, खाने पीने का खूब अच्छे स्टॉल्स हैं। हरिवंश बच्चन द्वारा जो हमारा इवेंट का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हमने रखे हुए हैं, तो उसमें सब बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो इस साल आपको 24 साल पूरे हो गए हैं, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं? हम लोगों को महिला मंडल से काम करते हुए 24 साल हो गए हैं और जो अगला जो हमारा 25वां साल हम बनाएंगे, बहुत ही भव्य तरीके से हम अपनी सिल्वर जुबली बनाएंगे। और इसमें महिला मंडल का सब तीज त्यौहार हम करते हैं, होली है, दिवाली है और नए साल के कार्यक्रम हैं, पिकनिक हैं। एनजीओ होने के नाते हमारी काफ़ी वर्कशॉप्स भी रहती हैं, तो लोगों को जो है कोई स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको वितरित किए जाते हैं, तो और एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं बच्चों के, कई बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं हमारी महिला मंडल टीम की तरफ से, तो उनका जो खर्चा है वो महिला मंडल उठाती है। जय श्री श्याम। आज जो पंजाबी बाग महिला मंडल है, अध्यक्ष बालजी मीना गुप्ता जी और आपकी पूरी टीम, मुझे बहुत सी जगह जाने का मौका मिला, परंतु जो उत्साह, जो प्रिपरेशन, जो प्रेजेंटेशन और जो गैदरिंग यहाँ है वो वाकई में तारीफ के काबिल है। और मैं तो खाटू श्याम दिल्ली नाम से, क्योंकि मीना गुप्ता जी हमारी वाइस चेयरमैन है खाटू श्याम दिल्ली धाम की, और खाटू श्याम दिल्ली धाम जिसे लोग दुनिया का आडवाणी युवा कहते हैं, लगभग 1 लाख गज भूमि में बनने वाला खाटू धाम, छत्तीसगढ़ डेस्टिनेशन वेडिंग सेंटर, जिसमें प्रतिदिन 50,000 से लेकर 1 लाख भक्त होते हैं, और संडे को, जैसे कल संडे है, लगभग 4 से 5 लाख व्यक्ति दर्शन करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हर मंदिर में भगवान की मूर्त होती है, परंतु कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ भगवान साक्षात विराजमान होते हैं उसके अंदर। एक मंदिर खाटू श्याम
दिल्ली धाम है जहाँ ठाकुर श्याम बाबा साक्षात विराजमान है। मैं इतना ही कहूंगा कि इतना सुंदर आयोजन जो आप प्रतिवर्ष करते हैं, सभी को बुलाते हैं, पारिवारिक मेल जोल जो होता है ये एक प्रशंसा का पात्र है। और जहाँ इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं आप, वहाँ ठाकुर श्याम दिल्ली धाम के अंदर मीना गुप्ता जी ने सैकड़ों ट्रस्टी बनाकर जोड़कर जो पैन इंडिया में आज 13,000 परिवार डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 40,00,000 भक्त आर एसोसिएटेड विद ठाकुर श्याम दिल्ली धाम। और जहाँ अखंड भागवत 24/7 एक अपने आप में चमत्कार देवभूमि, चमत्कारी भूमि। यदि आप कोई भी अभी तक ना आया हो तो आप आए और देखें, 100 रुपए की एंट्री लगती है, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। अभी कुछ समय के अंदर ही महामहिम रामनाथ कोविंद जी, नितिन गडकरी जी और इस तरह से बड़े बड़े जो डिग्निटी ने आकर वहाँ साबित कर दिया कि ठाकुर श्याम दिल्ली धाम न केवल हिंदुस्तान परंतु दुनिया का आठवां अजूबा है। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को बहुत बहुत आश्वासन, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री श्याम। अब हमारे साथ मौजूद हैं शिवचरण गोयल जी जो कि मोती नगर से विधानसभा है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका तीज महोत्सव पर क्या कहना है। तो इतना बड़ा तीज महोत्सव महिला मंडल द्वारा कराया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? तीज का पर्व हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा पर्व है। इस सावन के महीने में जितने पर्व आते हैं, पर भगवान शिव की महिमा, आज़ादी का पर्व, रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी, आप देखेंगे कि एक सावन का नाम सुनने के बाद ही ना एक अलग से अनुभूति होती है। अरे जो महिला समाज, मीना गुप्ता जी प्रधान की जो पूरी टीम जिस तरह से पिछले 24 सालों से काम कर रही है और लगभग 800 परिवारों को इन्होंने उस समिति का हिस्सा बनाया हुआ है, और 800 परिवारों में जब ये खुशियों का पर्व मनता है, और आप किसी को भी देख लो आज यहाँ सबके चेहरे पे खुशी है, और आज खुशी बांटना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं इस मोबाइल ने दुनिया को बहुत बहुत छोटा कर दिया और वो अपने तक सीमित हो गया। तो ये पुण्य का काम है सबको जोड़ना, सबको एक छत के नीचे रखना और खुशियाँ बांटना। मैं तो पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष गुप्ता जी जो कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रधान हैं। पहले तो जो ये महिला मंडल 24 साल तीज के मना चुका है, ये बहुत बड़ा बधाई का पात्र है। और ये महिला शक्ति है, ये बहुत बड़ी पावर है। जो 600 महिलाओं की एक संस्था है, ये संस्था कंप्यूटर एजुकेशन, गरीब बच्चों की शादी कराना, अलग अलग तरह के साल में 6 बार त्यौहार मनाना, ये सारे काम करता रहता है। और ये संस्था आज शायद दिल्ली की सबसे बड़ी संस्था हो चुकी है महिलाओं की, और ये सब मिलजुल कर काम करते हैं। सर, जो आप कैंसर हॉस्पिटल की नींव रख चुके हैं आप, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पंजाबी बाग के अंदर हमारे पास आज तक महाराजा अग्रसेन ग्रुप के पास कैंसर का कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। इसलिए एक दिन हमारा विचार आया कि जब सब सुविधाएं हैं तो एक कैंसर का इलाज क्यों नहीं। इसलिए हमने एक कैंसर का हॉस्पिटल बनाने की मन में आई और हमने कैंसर की डी वाल बना दी है। अब नींव रखने की तैयारी है। 1 साल के अंदर हम इस कैंसर हॉस्पिटल में लोगों का इलाज चालू कर देंगे। मशीनों का ऑर्डर हम दे चुके हैं और बहुत ही सुंदर बनाएंगे। और इसके अंदर हम लगभग 20% असहाय व्यक्तियों का फ्री इलाज करेंगे, ये हमारी सोच है। मीना गुप्ता जी एक वो शख्सियत है जो महिला शक्तिकरण के लिए बहुत काम करती रहती है। मीना गुप्ता के साथ साथ जितनी भी और हमारी लेडीज़ बहनें लगी हुई हैं वो भी महिला शक्तिकरण के लिए बहुत काम करती हैं। देखिए, जब ये महिला मंडल संस्था स्टार्ट हुई थी तो मेरे से बात कर हुई तो मैंने कहा तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है
तो हम हर टाइम इनके कंधे से कंधा मिला के साथ रहते हैं। इनको कोई भी धन की और की किसी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं है। कमी हो जाए तो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं महिला मंडल पंजाबी बाग की अध्यक्षा मीना गुप्ता जी, तो इनसे हम जो इनका तीज महोत्सव है उस बारे में बात करेंगे। मैम, जो आपका तीज महोत्सव है उसकी कैसी तैयारियां रही हैं और अब तक कैसा चल रहा है इवेंट? मैडम, महिला मंडल पंजाबी बाग की तीज की तैयारियां बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से की जाती हैं। हम इसका कार्यक्रम लगभग 3 महीने पहले लग जाते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है और इसके अंदर नया क्या करना है। हमारा कार्यक्रम में हमेशा हम नया रूप लेके आते हैं, क्योंकि महिला आती है, अगर हमारा कोई भी काम पूरा नहीं होगा तो वो कहेंगे कोई अच्छा काम नहीं है, ये तो ऐसे ही है, सब कोई करते हैं। तो आपने आज देखा होगा हमारे इसके अंदर बहुत सारी तीज थी, सावन भादों की तीज, जिसके अंदर हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी, वृंदावन, सब तरह की तीज थी और यही हमारी तीज की तैयारी है। आप कह रहे हैं हर बारी नया रूप लेके आते हैं, तो पिछली साल से इस साल क्या नया रहा है? इस बार तो सारा ही अलग है। आप देखेंगे कि जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ से लेकर झूले तक, और मैं आज अपने आप को ये देख रही हूँ कि इतनी महिलाओं की संख्या मैंने भी इतनी शायद 24 सालों में पहली बार आज इतनी देखी है। आती हैं लेकिन आज बहुत ज़्यादा संख्या में है और बहुत उत्साह है लेडीज़ों का, महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का, सबका बहुत उत्साह है। और तीज का त्यौहार खासकर झूला झूलने की होती है और आज महिलाएं जब झूला झूलती हैं तो तीज का एक, जैसे घर के अंदर जब तीज होती है, जब हम खाली होते हैं और तीज वाला दिन है तो लोग सोचते हैं आज कहाँ जाएं, क्योंकि गांव होता था तो झूला डलते थे, तो झूला झूलने चले जाते थे। अब हमने इसीलिए आज खास का त्यौहार पिंक का झूले का बनाया है। महिलाओं में देखा जाता है तीज का जो महोत्सव होता है काफ़ी ज़्यादा खास होता है, उससे महिलाएं काफ़ी खुश होती हैं, तो आपका क्या नज़रिया है तीज को लेकर? तीज को लेकर मैं बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, क्योंकि जब गणगौर आती है तो त्यौहार लेकर चली जाती है और तीज आती है तो बहुत खुशियाँ लेकर आती है, तब त्यौहार शुरू हो जाते हैं हमारे, जैसे कि राखी का त्यौहार है, 15 अगस्त है, क्योंकि तीज के बाद ही आते हैं सारे त्यौहार। और इसके अंदर जब भाई कोथली लेकर आता है तो एक अलग से खुशी होती है, क्यों भाई मिठाई लेकर आएगा, बहन के घर जाएगा तो और ज़्यादा खुशी होती है। यही तीज का त्यौहार मनाया जाता है, झूला झूलते हैं। आप आज, आपको 24 साल हो चुके हैं और अगले साल आपको 25 साल, मतलब जुबली साल जो होगा वो अगला साल आपके लिए, तो कैसा उत्साह है उसको लेकर कि आपने 25 साल पूरे कर लिए? बहुत बड़ा उत्साह है मेरे मन में कि हम अगला रजत जयंती बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, कम से कम लगभग उसमें 2000 की संख्या हो। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हम लोगों के साथ जुड़े और हमने यहाँ पे महिलाओं से भी बातचीत करी और यहाँ पे काफ़ी महिलाएं उत्साह और खुशी के आनंद में दिखी तीज को मनाते हुए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें और देखते रहे MMPP। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाए, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य काहू न मिल।